हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं विट्टल कैमटेक आईपीओ के बारे में। देखा है कि आईपीओ 31 तारीख को आया था और 3 तारीख को ये क्लोज हो गया था। फिलहाल देखते हैं इसका अलॉटमेंट का स्टेटस क्या है। ये सारी बातें हम इसे वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कि जिस दिन ये लिस्टिंग है उस दिन क्या करना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट किया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनको नहीं मिला उसको क्या करना चाहिए। सारी बातें, सारी चीज़ें हम इसे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, ताकि नई नई वीडियो, नई नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं लाइव अलॉटमेंट स्टेटस विट्टल कैमटेक का आईपीओ का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं विट्टल कैमटेक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो ये अक्टूबर 31 को स्टार्ट हो गया था, लेकिन 3 नवंबर को क्लोज हो गया और आज इसका अलॉटमेंट का दिन है, तो बारे में बात करते हैं। उससे पहले इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन था कैसा? आईपीओ प्राइस जो रखी गई थी करीब करीब 101 रुपये के बीच में रखी गई थी, और टोटल आईपीओ 64 करोड़ 64 लाख का ये आईपीओ था, और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये थी। ये एनएससी एसएमपी लिस्ट होगा। देखने की चीज़ है कहाँ लिस्ट हो रहा है। एनएससी एसएमपी लिस्ट होगा और लॉट साइज की 1200 शेयर्स रखे गए थे एक लॉट के अंदर। फिलहाल देख लेते हैं इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आया हुआ था। देखा जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन करीब करीब 15 टाइम्स इसके अंदर आया था, और करीब करीब नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का 204 टाइम्स आया था, और हम जैसे आप जैसे रिटेल का 116 टाइम्स आया था। फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो 79 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। और डे बाय डे अगर देखते हैं ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, तो इसके अंदर फर्स्ट डे देखा जाए तो 3 टाइम्स आया था, सेकंड डे 11 टाइम्स आया था, और थर्ड डे 29 टाइम्स आया था, और लास्ट डे यानी आखिरी दिन देखा जाए तो करीब करीब 79 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त था, और देखते हैं इसके अंदर आज अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं और अलॉटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं उससे पहले कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। एक कैमटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये कंपनी फॉस्फोरा डायबिटीज प्रोडक्ट के अंदर। और देखा जाए तो इनका जो मेन ये कंपनी मैन्युफैक्चर सप्लायर है फॉस्फोरस बेस्ड केमिकल हाईएस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस एंड कंप्लायंट विथ केमिकल इंडस्ट्रीज हाईएस्ट इन्वायरमेंट हेल्दी एंड सेफ्टी है। देखा जाए तो करीब करीब इसके 3 जो मेन मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ हैं ये दहेज में है, और जीआईडीसी एरिया सनत डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद और दोएकरिया। और इसके साथ में देखा जाए तो प्रोमिनेंट और साथ साथ में इसकी ये हम लोग फाइनेंशियल देखते हैं तो करीब करीब जो लाख में दिया गया है 2020 के अंदर प्रॉफिट 1 करोड़ 105 लाख का नहीं है, 1 करोड़ 5 लाख का आया था, और करीब करीब देखा जाए तो 2021 के अंदर 2 करोड़ 93 लाख का आया हुआ था, और नवंबर 2021 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 7 करोड़ 84 लाख का आया था, और मार्च 2022 को देखा जाए तो 6 करोड़ 70 लाख का आया था। ओवरऑल देखा जाए तो अप्रैल 2022 के अंदर 1 करोड़ 35 लाख का प्रॉफिट आया था। फिलहाल देखते हैं, अब आईपीओ लाने का मकसद यही है, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ में देख लेते हैं ये आईपीओ की डिटेल। तो 31 अक्टूबर को आया, 3 नवंबर को क्लोज हो गया, 10 रुपया फेस वैल्यू, और आईपीओ प्राइस जो रखी गई है 95 से 101 के बीच में रखी गई है, और लॉट साइज जो रखी गई है 1200 शेयर की रखी गई है। ओवरऑल देखा जाए आईपीओ तो करीब करीब 64 करोड़ 64 लाख का ये आईपीओ था, जिसके अंदर कोटा जो रखा गया था 50% QIB का रखा गया था, HNIs का 50% रखा गया था, और हम जैसे आप जैसे रिटेल का 35% रखा गया था। और लिस्टिंग की बात करते हैं, NSE SMP लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है कहाँ लिस्ट हो रहा है, NSE SMP लिस्ट हो रहा है। फिलहाल देखा जाए तो 31 को आया था और 3 को क्लोज हो गया था। आज 9 नवंबर और आज है वेडनेसडे, आज इसकी लिस्टिंग नहीं है, आज इसका अलॉटमेंट का दिन है। फिलहाल देखते हैं अलॉटमेंट, बेसिक अलॉटमेंट देख लेते हैं कैसे चेक करते हैं क्या होता है अलॉटमेंट, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो कल जिनको नहीं मिला है कल के दिन शाम तक ये रिफंड हो जाएगा, या रिफंड में 1-2 दिन लेट होता है, या फिर 14 तक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। नहीं हुआ तो बैंक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और उसके बाद 11 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा, और 14 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। फिर फिलहाल देखते हैं लिस्टिंग दिन क्या होता है। और हम अगर इसके आईपीओ में अगर लॉट साइज के बारे में बात करते हैं, तो मिनिमम एक लॉट जो आता है 1200 शेयर्स का रहेगा, टोटल अमाउंट 1,21,200 होगा। और आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग देखते तो करीब 99.99% इसके अंदर होल्डिंग है प्रमोटर्स की है। फिलहाल देख लेते हैं क्या रुझान रहता है और उसके अंदर, और आगे देखते हैं क्या रहता है, वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा। जो नए यूज़र आए हैं चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जो देख लेते प्रीमियम और कहाँ चेक करते हैं वो भी देख। बात करें विट्टल कैमटेक आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में, देखा जाए तो 31 को आया था, 3 को क्लोज हो गया था, टोटल आईपीओ साइज थी करीब करीब 64 करोड़ 64 लाख का, फेस वैल्यू 10 रुपया था, 101 रुपये पे आया हुआ था। फिलहाल एनएससी एसएमपी ये लिस्ट होने जा रहा है, और देखा जाए तो ये 1200 शेयर्स रखे गए। अब हम बात करें अलॉटमेंट के बारे में, तो आज देखा जाए तो फाइनलाइज का अलॉटमेंट का दिन है। आज 9 नवंबर इसका अलॉटमेंट का दिन है, तो हम देख लेते हैं अलॉटमेंट कैसे होता है। और साथ साथ में देखा जाए तो नेक्स्ट मेन डेट आएगी 14 नवंबर को, जो 14 नवंबर को लिस्टिंग की डेट है,
वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा इसके अंदर लिस्टिंग गेन और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। फिलहाल देखते हैं इसका अलॉटमेंट वगैरह देख लेते हैं और साथ साथ में पहले इसका जीएमपी देख लेते हैं कितने प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल अगर विट्टल कैमटेक की अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो स्टार्ट से देखा जाए तो करीब करीब जब स्टार्ट हुआ तो जीरो पे था, लेकिन 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 61% हो गया, 31st को यानी जिस दिन ये आया उस दिन 74% हो गया। फिलहाल आज है 9 नवंबर, देखते हैं कल 7 तारीख थी, 7 तारीख को 89% प्रीमियम पे था और आज है 8 नवंबर। फिलहाल देखा जाए तो करीब करीब आज है 8 नवंबर, आज है 9 नवंबर और कल भी ये 89% प्रीमियम पे था, फिलहाल आज भी ये 90% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल देखते हैं क्योंकि 80-90% प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। आज है 9 तारीख क्या जिसका अलॉटमेंट का दिन है, अलॉटमेंट क्या होता है वो देखने को वो देखते हैं इसके अंदर कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में, देखा जाए तो स्काई लाइन फाइनेंशियल सर्विस की ये वेबसाइट है जहां हम अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं कि विट्टल कैमटेक आईपीओ किस तरह चेक होता है। ये उसका फाइनेंशियल सर्विस का जहां हम चेक करते हैं स्काई लाइन करके वेबसाइट है, इस पर चेक कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। मैं लिंक वीडियो में दे देता हूं और फिलहाल देखते हैं कैसे चेक करते हैं। चेक करना प्रोसीजर एकदम ईजी है, ये कंपनी की वेबसाइट में जाने का और यहां पे जाके कंपनी का जो भी आया हुआ है इसे राइट जोन का आया हुआ था वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग विवाना का चेक कर रहे थे लास्ट टाइम में, अन्नापूर्णा का चेक कर रहे थे। फिलहाल इस तरह चेक करते हैं, कंपनी का नाम दिए और उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट आईडी से या एप्लीकेशन नंबर से या पेन नंबर से, सबसे ईजीली जो होता है वो पेन नंबर से होता है। पेन नंबर से चेक करने का तरीका ये है कि आप अपना पेन नंबर डाल के और इजीली चेक कर सकते हैं और ये सबसे इजी और सरल तरीका होता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या रुझान रहता है, वो लिस्टिंग के दिन मालूम पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।